जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और एक बार फिर से एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मेरा यहाँ नागर कोयल के लिए ट्रेन है, उधर नागर कोयल में कन्याकुमारी के लिए ट्रेन है चेन्नई एमोर से। तो स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, स्टेशन के बाहर खड़े हैं हम। तो अभी हम ट्रेन पकड़े हैं कन्याकुमारी के लिए। तो दोस्तों आज फिर एक दिन उनको स्टे करना पड़ेगा ट्रेन में। तो चलिए तब मेरा ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और कन्याकुमारी हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ फिर आपको दिखाएंगे क्या कहाँ क्या कहाँ कहाँ घूमते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्लेटफार्म में ट्रेन लगी हुई है, तो वहीं जा रहे हैं, तो एस्केलेटर में चढ़ेंगे अभी। सात नंबर प्लेटफार्म यही है दोस्तों, इधर से ही जाना होगा हम लोग को। यही ट्रेन है दोस्तों, इसी से जाएंगे अभी। ट्रेन में आ गया दोस्तों, सीट भी मिल गया है और सीट है 32। तो अब हम बैठेंगे, इसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग कन्याकुमारी जाएंगे, मतलब कन्याकुमारी में नागरकोल तक जाएंगे। तो आज रात तो आज रात ऊपर लगेगा हमको, कल सुबह करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब कन्याकुमारी में।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हम पहुंच गए हैं नागरकोइल जंक्शन। और तब कन्याकुमारी तो जाएंगे, अभी यहाँ यहीं पर उतर गए थे नागरकोइल में ही। और हम लोग अभी मतलब मेरा ट्रेन है, अभी ट्रेन से जाएंगे या बस से, बस से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगेगा ऑटो में, और बस में थोड़ा कम लगेगा, और उससे कम थोड़ा ट्रेन में भी लगेगा। तो देखते हैं क्या चीज़ से जाते हैं। अभी तो हम पहुँच गए नागरकोइल, और अभी आपका समय अभी 10 बज रहा है, तो अभी हम स्टेशन के बाहर खड़े हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ से जाते हैं। देख सकते हैं स्टेशन, नागरकोइल का स्टेशन है ये। और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग कन्याकुमारी में नया ब्लॉग में आप लोगों।